दोस्तों यहाँ पर व्यापारियों में जीएसटी को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है अगर आप आज कोई भी व्यापार करते हैं बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको लेना होता है लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको जीएसटी का कंसेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है उन्हें नहीं पता होता है कि एच एस एनकोड कैसे लिखना है कितना जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना है जीएसटी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो मैं आज आप लोग को जीएसटी का जो कन्सेप्ट है एकदम जीरो से बताऊंगा तो अगर आपका बिजनेस है या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं फ्यूचर में कोई बिजनेस करने का प्लान है तो आपको यह वीडियो मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सबसे पहली बात कि जी को लाने का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा दोस्तों पहले कई तरह के टैक्सेज होते थे जैसे कि सर्विस टैक्स एक्सरसाइज टैक्स लग्जरी टैक्स इंटरटेनमेंट टैक्स तो और इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता था तो गवर्नमेंट ने सभी टैक्सेस को हटाकर यहाँ पे सिंगल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लाया यानी कि जीएसटी को लाया जो कि अपने आप में एक इजी है अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर जीएसटी कई तरह के होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी तीन तरह के जी होते हैं तो अब यहाँ पर व्यापारियों के मन में बिजनेसमैन के मन में सवाल उठता है कि आखिर सी जी आखिर कब लगाना है देखिए अगर मान लेते हैं आप पटना शहर में रहते हैं आप बिहार से हैं और अगर यहाँ पर आपका जो बिजनेस है बिजनेस का जो प्लेस है जो रजिस्ट्रेशन प्लेस है वह बिहार में ही है और अगर आप बिहार के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर को कोई भी गुड सर्विसेज देते हैं तो फिर आप यहाँ पर जो इन्वॉयस काटेंगे आप यहाँ पर सी और एस लगाएंगे जी हाँ मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं तो फिर आपको सी जी एस टी एस जी एस टी चार्ज करना होता है लेकिन अगर आपका बिजनेस बिहार में है और आप दिल्ली सामान बेचते हैं यूपी बेचते हैं मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो यहाँ पर फिर आई जी एस टी चार्ज करना होता है जो सेम स्टेट में माल बेचा जाएगा तो सी जी एस टी एच जी एस टी लगेगा और अदर स्टेट में तो यहाँ पर आई जी एस टी लगेगा अब यहाँ पर आखिर इन बहस कैसे काटना होता है जैसे कि मान लेते हैं आपके केस में पाँच परसेंट जीएसटी लगता है तो अगर यहाँ पर सौ रुपये का सामान हुआ तो उस सौ रुपये पर यहाँ पर ढाई परसेंट ढाई परसेंट अगर पाँच परसेंट के स्लैब में आपका गुड्स आता है तो ढाई परसेंट आपको सी और ढाई परसेंट एस और फिर सभी को यानी सौ रुपये को और उस पर जो पाँच परसेंट टैक्स लगता है उसे ढाई ढाई परसेंट उसे जोड़ेंगे उसे बोलेंगे टोटल इन्वॉयस वैल्यू मतलब कि जो टैक्स लगने से पहले वाला अमाउंट होगा उसे टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं और टैक्स लगेगा सी जी या फिर आप अगर अदर स्टेट में बेचते हैं तो केवल आई और फिर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा तो उसे इन वैल्यू बोलते हैं तो इसी प्रकार से इन को काटना होता है कई व्यापारियों को आज भी बिल काटने में कन्फ्यूज़न होता है अभी भी वे जी को नहीं समझ पाए हैं तो आप परेशान ना हो अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश वन फाइव एट फोर आप हमें वहीं मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमारी पेड सर्विस को ले सकते हैं यहाँ पर जो जी का रेट है वह कई तरह का रेट होता है और हर चीज़ पर अलग अलग रेट एप्लीकेबल होता है जैसे कि पाँच परसेंट तीन परसेंट भी होता है बारह परसेंट भी अट्ठारह परसेंट भी और कुछ कुछ लग्जरी आइटमें अट्ठाईस परसेंट भी और यहाँ पर आपको यहाँ पर एच कोड भी मेंशन करना होता है जी हाँ जब आप बिल काटते हैं तो आपको एच कोड भी देना होता है अगर आप गुड्स यहाँ पर देते हैं गुड्स बेचते हैं तो यहाँ पर आपको एच कोड देना होगा लेकिन अगर आपका सर्विस है आप डॉक्टर हैं एडवोकेट हैं सी हैं तो फिर यहाँ पर सैक लगाना होता है यहाँ पर सैक कोड लगता है आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अगर एक्स को यहाँ पर कोई इन्वॉयस काटना है बिल काटना है तो यहाँ पर वह उस बिल में आखिर क्या क्या मेंशन करेगा कई लोगों का यह भी सवाल होता है तो बिल में सबसे पहले डेट होना चाहिए इन नंबर होना चाहिए बिल नंबर होना चाहिए कौन सा गुड्स बिका है उसका नाम होना चाहिए उसका एच कोड होना चाहिए कितना क्वांटिटी में बिका है उसका क्या टैक्सेबल वैल्यू है फिर उस पर टैक्स कितना चार्ज किया गया है यानी यानी सी जी एस टी और एच जी एस टी और अगर अदर स्टेट में बेचा जा रहा है तो फिर केवल आई जी एस टी और फिर टोटल इन्वॉयस वैल्यू तो यह सब चीज़ बिल में मेंशन करना होता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कुछ जी अब समझ में आया होगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और जी को डिटेल में बताऊँगा अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही अपना इंस्टाग्राम आई बता दिया प्रतेश वन फाइव एट फोर तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें